पहाड़ी से लेके नीचे तक जो रनऑफ था जहाँ बारिश की एक बूंद गिरती और वो ज़्यादा स्पीड से निकल जाती थी और साथ में मिट्टी को भी लेके जाती थी। जब पहाड़ी पे डीप सी सिटी हुआ, ग्रास डेवलपमेंट हुआ, प्लांटेशन हुआ, उसके बाद एरिया ट्रीटमेंट में सॉइल कंजर्वेशन, लैंड लेवलिंग का काम हुआ और बाद में ड्रेनेज लाइन की ट्रीटमेंट हो गई, जैसा कि गली प्लग, लूज बोल्डर, अर्दन डैम, तो ये जो है तो वो फिल्टर का काम करते हैं और वाटर स्पीड कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके कारण है कि सॉइल कंट्रोल हुआ, सॉइल इरोजन 100% रुक गया। अब जो भी पानी मिला रनऑफ तो रिचार्ज किया, जो रिचार्ज हुआ वो ठीक से यूज किया। इसलिए ग्राम सभा ने निर्णय पारित किया कि गांव में सिंचाई के लिए कोई ट्यूबवेल नहीं लगाएगा, खाली पीने के पानी के लिए, और इरिगेशन करना है तो डगवेल कुएं से ही इरिगेशन करेंगे, ट्यूबवेल से नहीं। इसका फायदा क्या हुआ कि वाटर टेबल जो जनवरी के बाद 120 फीट तक चला जाता था हैंडपम्प की लेवल में, आज के दिनों में वो 20 या 30 फीट पे आ गए। यहाँ जंगल बचाने और हरियाली लाने के उद्देश्य से पौधारोपण का काम शुरू किया गया, हजारों पेड़ लगाए गए जिसमें भारी सफलता मिली और पूरा क्षेत्र नंगे पहाड़ों से हरे भरे लहलहाते वन में तब्दील हो गया। ये सब संभव हुआ कुछ सरकारी मदद और गांव वालों के श्रमदान से। यह सबसे टॉप की पहाड़ी या चानकाई माता का पठार बोलते हैं, तो यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ जब प्लांटेशन ये सब काम शुरू हुआ तो रोजगार तो बहुत कम मिल रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से ही पैसा आ रहा था और ये गाँव तो 100% मजदूरी करता था। उस वक्त शुरुआत हो गई, 8 या 10 रुपये रोजाना मिलता था, लेकिन लोगों ने ये काम ऐसा किया, नहीं हमारा भविष्य इसमें, ये आज रोजगार की सोचेंगे तो भविष्य खराब होगा, तो आज रोजगार की ना सोचो, गांव का सोचो और भविष्य के बारे में सोचो तो क्या बदल आता है। तो ये यह हुआ, रोजगार मिले ना मिले लेकिन हमारे गांव का काम बनेगा, पेड़ उगेंगे, ट्रेंचिंग होगा, घास आएगा तो हमारे जानवर आएंगे, पानी मिलेगा, ये शुरुआत हो गई। गांव में पानी का स्तर सुधरने के साथ ही गांव वालों ने शराब जैसी कुरीति को छोड़ फिर से खेती पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले लोग एक ही फसल उगा पाते थे, अब भूजल बढ़ने और मिट्टी में नमी बढ़ने से किसानों ने दूसरी और तीसरी फसल की ओर रुख किया। तय किया गया उन फसलों को उगाया जाएगा जिसमें पानी कम लगता है और आमदनी ज्यादा हो। हर बारिश के बाद हिमरे बाजार के लोग फसल की प्लानिंग करते हैं। किसान प्याज, आलू, सब्जी, फल और फूल उगाते हैं। जब हम गांव पहुंचे तो प्याज लगभग सभी खेतों में नजर आ रहा था। किसानों ने बताया कि पिछले प्याज के फसल से गांव वालों ने करोड़ों कमाए हैं। संतरे के इस बाग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी ने इस गांव को सामाजिक ही नहीं आर्थिक तौर पर भी मजबूत बनाया है। गांव में पानी और पौधारोपण की वजह से आई हरियाली की वजह से लोगों ने पशुपालन और डेयरी व्यवसाय पर जोर देना शुरू कर दिया। लोगों ने गाय और भैंसों की ज्यादा दूध देने वाली नस्लों को पालना शुरू किया ताकि मुनाफा ज्यादा आ सके। हिमरे बाजार ने जल समस्या का हल निकालने के साथ ही खेती, पशुपालन और पर्यावरण से जुड़ी अपनी कई समस्याओं से निजात पा लिया है। 1990 से पहले इस गांव में ज्यादातर परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे, लेकिन आज तस्वीर दूसरी है। गांव के 270 परिवारों में से एक चौथाई परिवार करोड़पति हैं। पोपटराव पवार कहते हैं, आज गांव में कोई भी गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। यह अपने आप में गांव की समृद्धि की कहानी कहता है। चूंकि गांव में आर्थिक संपन्नता है और रोजगार के अवसर हैं, तो अब गांव से कोई भी युवा काम के लिए शहर की ओर पलायन नहीं करता है। एक सवाल यह है कि यदि पड़ोसी गांव गहरे नलकूपों की सहायता से भूमिगत जल का दोहन करें और इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाएं, तो हिवरे बाजार गांव इन पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हुआ कि जल को एक सार्वजनिक संसाधन मानकर नदी घाटी के पूरे क्षेत्र के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है।
तभी सभी के लिए विकास संभव हो पाएगा।